दोस्तों, जब बात पेड़ पौधों की आती है तो हम सभी को एक अलग ही खूबसूरती का एहसास होता है, क्योंकि ये पेड़ पौधे ही हैं जिनसे हमें इतना सारा ऑक्सीजन मिलता है और बदले में इन्हें जिंदा रहने के लिए केवल सनलाइट, वाटर, एयर और मिनरल न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, जो इन्हें मिट्टी या फिर तालाब के पानी से भी मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेड़ पौधे कितने अच्छे होते हैं जो बिना हमारा नुकसान किए हमें सिर्फ फायदा देते हैं। पर दोस्तों, थोड़ी देर के लिए अपनी सोच पर लगाम लगाइए, क्योंकि सभी प्लांट्स ऐसे नहीं होते, बल्कि कुछ प्लांट्स मांसाहारी भी होते हैं जिनकी जरूरत केवल सनलाइट, वाटर या एयर वगैरह से पूरी नहीं होती, बल्कि इन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस लेने के लिए जिंदा जीवों का शिकार करना पड़ता है। और हम जहरीले प्लांट्स को भी कैसे भूल सकते हैं, जिनका जहर सांप के जहर से भी ज्यादा तेज और असरदार होता है। अब ये प्लांट्स कौन से हैं और कैसे दिखते हैं, इसे जानने के लिए वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। ब्लैडर वॉर्ट। दोस्तों, सबसे पहले आप इस प्लांट पर नजर डालिए। ये एक ऐसा प्लांट है जो वॉटरी एनवायरनमेंट में रहता है, लेकिन इस पौधे के तने में छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं जो अंदर से पूरे खाली होते हैं। ऐसे में जब कोई छोटे कीड़े मकोड़े इस पौधे के तने में होकर गुजरते हैं तो उसमें बने चैम्बर के ऊपर मौजूद छोटे छोटे हेयर्स को टच कर देते हैं, और जैसे ही इन हेयर्स में एक्टिविटी होती है वैसे ही ये चैम्बर झट से खुल जाते हैं और जो कोई भी कीड़ा इसके ऊपर बैठा होता है उसे तुरंत अपने अंदर ले लेते हैं और फिर चैम्बर वापस से बंद हो जाता है, जिस वजह से वो जीव इस चैम्बर के अंदर ही फंस जाता है और धीरे धीरे ये प्लांट उसे डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के कीड़े मकोड़े से मिलने वाले न्यूट्रिशंस को वो अपनी ग्रोथ में इस्तेमाल करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये पूरा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्पीड से होता है, जिसे अपनी आंखों से देख पाना भी नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप खुद ही समझ जाइए कि इस प्लांट का शिकार होने वाले क्रिएचर्स भला खुद को कैसे बचा पाते हैं। दोस्तों, ये प्लांट अपना एक शिकार करने के बाद चैम्बर में मौजूद सारे पानी को निकाल देते हैं और फिर से पूरी तरह से खाली हो जाते हैं, ताकि अपने अगले शिकार को अपने जाल में फंसा सके। सनडियो। दोस्तों, इस कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी प्लांट के शिकार करने का तरीका तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि इस प्लांट के छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिसके अंतिम छोर में आपको हल्का सा लिक्विड देखने को मिल जाएगा। असल में दोस्तों, ये जो लिक्विड होता है ये शिकार को फंसाने का एक तरीका होता है, क्योंकि ये लिक्विड एक स्वादिष्ट नेक्टर होता है जो इंसेक्ट्स को काफी पसंद है। इसलिए जब कोई इंसेक्ट इस लिक्विड के पास से गुजरता है तो वो इसे पीना शुरू कर देता है, लेकिन ये लिक्विड काफी चिपचिपा होता है, इसी वजह से इंसेक्ट वहीं पर फंस जाते हैं और उतनी ही देर में ये सभी टेंटिकल्स इंसेक्ट को आपस में जोड़कर दबोच लेते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे यह प्लांट इंसेक्ट को पूरी तरह दबाने में लगा हुआ है। और जब इंसेक्ट पूरी तरह से इस प्लांट के चंगुल में फंस जाता है तो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। ये प्लांट धीरे धीरे करके इंसेक्ट से न्यूट्रिशन डाइजेस्ट करता है, पर इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि बिना किसी ब्रेन सेल्स के ये प्लांट्स केमिकल सिग्नल के मिलते ही अपने आप मूव करना शुरू कर देते हैं, ताकि अपने शिकार को दबोच सके। पीचर प्लांट्स। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसे प्लांट की जिसका शिकार करने का तरीका काफी अलग है, क्योंकि इन प्लांट्स को अपना शिकार करने के लिए बिल्कुल भी मूव नहीं करना पड़ता, बल्कि इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि इसमें शिकार खुद ब खुद ही फंस जाते हैं। दोस्तों, इस प्लांट की कई सारी अलग अलग वैरायटी होती है जो आपको अलग अलग तरह के ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखने को मिलेगी, लेकिन मेनली इस प्लांट के काफी डीप बेसिन्स में इसका शिकार फंस जाता है, क्योंकि जब कोई इंसेक्ट वगैरह फूड की तलाश में इस प्लांट के अंदर आता है तो वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर में काफी स्लिप करने वाला लिक्विड होता है जो इंसेक्ट को नीचे की तरफ ले जाता है। यहाँ तक कि अंदर वाले स्ट्रक्चर में आपको काफी छोटे छोटे बाल भी देखने को मिलेंगे जो नीचे की ओर जाते हैं, ताकि कोई भी इंसेक्ट अगर गलती से भी इस प्लांट के अंदर चला जाए तो वो इसमें पूरी तरह फंस जाए, जिसके बाद इस प्लांट के डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। वैसे दोस्तों, कुछ पीचर प्लांट्स छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के अलावा बड़ा शिकार भी करते हैं, क्योंकि कुछ ट्रॉपिकल पीचर्स प्लांट इतने बड़े होते हैं कि वो चूहे और छिपकली जैसे जानवरों को भी अपने जाल में फंसा कर बड़े मजे से अपना भोजन बना लेते हैं। ऐसे में आप सोच लीजिए कि अगर कहीं आपका हाथ वगैरह इस प्लांट के अंदर चला गया तो आपका क्या होगा। वीनस फ्लाईट्रैप। अब दोस्तों, जिस प्लांट की हम बात करने जा रहे हैं उसके पत्ते किसी खुली किताब की तरह हैं, जिनमें से काफी प्यारी स्मेल यानी कि सुगंध आती है, और उसी स्मेल को सूंघकर कई सारे इंसेक्ट इस प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब कोई इंसेक्ट इस प्लांट के पत्तों पर बैठता है तो पत्तों के ऊपर मौजूद छोटे छोटे रेशे होते हैं
जिनको छूने के बाद इलेक्ट्रिकल चार्ज रिलीज होता है और हर चार्ज की वजह से पत्तों में मौजूद पोर्स स्टिमुलेट होकर खुल जाते हैं। दोस्तों ऐसा होने पर पानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मूव करने लगता है। अब वाटर प्रेशर में हो रहे बदलाव के कारण इस पेड़ के पत्तों का जो बुक की तरह स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें मौजूद इंसेक्ट वहीं फंस जाता है और इस प्लांट का भोजन बन जाता है, जिसे प्लांट बाद में डाइजेस्ट करके उसमें मौजूद न्यूट्रिशन को ले लेता है। वैसे अगर आप इस पेड़ के पत्तों में अपनी उंगली भी डालोगे तो ये उसे भी किताब की तरह बंद करके डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। पर सबसे अनोखी चीज तो ये है कि ये प्लांट इस पूरे काम को इलेक्ट्रिकल चार्ज की मदद से करते हैं, जो काफी अनोखा प्रोसेस है। डैफोडिल। अब ये प्लांट दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और पूरी दुनिया में इस प्लांट को अपनी सुंदरता, चमक और खुशबू के लिए जाना जाता है। दोस्तों स्प्रिंग सीजन में इस पौधे के ऊपर फूल खिलते हैं जो इसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। पर यह पौधा जितना सुंदर फूल देता है वो उतना ही खतरनाक होता है, क्योंकि इस प्लांट के फूलों के साथ साथ इसके तने, पत्तों और जड़ों तक में जहर पाया जाता है और इस पौधे का जहर आपको बीमार कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने इसका अधिक मात्रा में सेवन कर लिया तो उसकी जान भी जा सकती है। दोस्तों इस प्लांट के जमीन के ऊपर वाले हिस्से में लिक्रोन नाम का जहर पाया जाता है। ये जहर इंसान के साथ साथ जानवरों के लिए भी काफी खतरनाक है। दोस्तों इस पौधे के इतना ज्यादा खतरनाक होने के बावजूद भी लोग फिर भी इसकी तरफ आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पाते। व्हाइट स्नेकर रूट। तो दोस्तों अब बात करते हैं व्हाइट स्नेकर रूट नाम के इस पौधे की। अब जाहिर सी बात है कि जिस किसी के नाम में सांप आए तो उसके खतरे का अंदाजा पहले से ही लगाया जा सकता है, और ठीक ऐसा ही कुछ आपको इस पौधे के साथ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये साफ सुथरा सा दिखने वाला पौधा काफी जहरीला होता है। अधिकतर सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले इस पौधे के अंदर ट्रिमर्टल नाम का जहर होता है, जिसे अगर किसी ने खा लिया तो उसकी मौत होना निश्चित है, क्योंकि इसमें मौजूद जहर काफी हाई इंटेंसिटी का होता है। और इसके खतरे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई कैटल यानी कि कोई मवेशी इस पौधे को खाता है तो इस जानवर के मांस और दूध दोनों जहरीले हो जाते हैं। ऐसे में अगर किसी इंसान ने उस मवेशी का दूध या मांस दोनों में से किसी एक का भी सेवन किया तो वो इंसानों के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी मौत भी जा सकती है। क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मां नैन्सी की मौत के पीछे का कारण उस गाय का दूध का सेवन करना था जिसने इस पौधे को खाया था। दोस्तों यही कारण है कि इस पौधे को आमतौर पर मिल्क सिकनेस भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के शरीर में ये जहर दूध के जरिए ही जाता है। बेला डोना। अब दोस्तों हम जिस पौधे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं ये यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया में पाया जाने वाला सबसे जहरीला पौधा है। यूं तो इस पौधे का हर एक हिस्सा बहुत ही जहरीला होता है, लेकिन खासतौर पर इसकी जड़ें काफी जहरीली होती हैं। इस पौधे के अंदर एट्रोपाइन नाम का जहर होता है, जिसका हल्का सा डोज भी किसी इंसान या जानवर के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और अगर हम इस प्लांट से निकलने वाले फल की बात करें तो वो दिखने में काफी सुंदर और अट्रैक्टिव लगते हैं, और बताया तो ये भी जाता है कि इस फल का स्वाद भी जबरदस्त होता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद आप इसे चखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इसके अंदर भी जहरीले केमिकल्स होते हैं जो एडल्ट लोगों पर तो कम असर करते हैं, लेकिन इस केमिकल का असर बच्चों पर ज्यादा तेजी से होता है। और शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बेलाडोना नाम के ये प्लांट टमाटर, बैंगन और मिर्ची के परिवार से आते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल इतिहास में काफी लंबे समय से जहर के रूप में होता आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इन खतरनाक प्लांट्स के बारे में जानकर काफी हैरानी हुई होगी। आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग प्लांट कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।